डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब है एक लाइट का, वाइट लाइट का सात रंगों में स्प्लिट हो जाना, जब वो किसी प्रिज्म के अंदर से पास करे, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। लाइट डिस्पर्स हो गई, सात रंगों में टूट गई। तो आपकी वाइट लाइट आई, प्रिज्म के अंदर पास हुई, सात रंगों में लाइट डिवाइड हो गई, वाइट लाइट सात रंगों से बनी हुई है, और ये बेंड हो गई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग है वो वॉयलेट की है, सबसे कम जो बेंडिंग है वो रेड की है। इसको डेविएशन बोलते हैं, क्योंकि लाइट डेविएट हो गई अपने नॉर्मल रास्ते, लाइट ऐसे जा रही थी पर अपने रास्ते से नीचे डेविएट हो गई। सबसे ज़्यादा बेंडिंग या डेविएशन किसकी हुई? वॉयलेट की। सबसे कम डेविएशन किसकी हुई? रेड की। तो लिखा हुआ है इसमें मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट है, मिनिमम डेविएशन रेड है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाइट कलर की लाइट सात रंगों से बनी हुई है। सात कलर्स की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, सेवन कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है। सात रंगों की वेवलेंथ डिफरेंट है तो सात रंगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं। अगर लैम्डा चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगा तो म्यू भी चेंज होगा। तो म्यू की वैल्यू सात रंगों के डिफरेंट है, और सात रंगों का म्यू डिफरेंट है, सात रंगों की वेलोसिटी डिफरेंट है। कोई तेज़ मूव करेगी, कोई धीरे मूव करेगी, तो सात रंग इकट्ठे मूव नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपको सात अलग अलग रंग दिखाई देंगे। अगर वो इकट्ठे मूव कर पाते, वेलोसिटी सेम होती, वेवलेंथ सेम होती, तो वाइट कलर की लाइट आपको वाइट ही नजर आती। ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये इस प्रोसेस को डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कॉज ऑफ डिस्पर्शन बताया गया है और मैंने आपको बता भी दिया, हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है। एक साइंटिस्ट था, काउचीज रिलेशन करके इसका रिलेशन बनाया उसने। उसने ये बताया कि म्यू किसी भी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए बी सी उसका कांस्टेंट्स हैं, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा फोर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लाइट की वेवलेंथ कम है, लैम्डा कम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और लैम्डा ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। हालांकि मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन ऐसे दी नहीं है, मैंने आपको ऐसे दी है, अगर लैम्डा चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो सात रंग में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। बट इसलिए बता दिया क्योंकि ये मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर ये रिलेशन कहीं देखा हुआ है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर्मूला करेक्ट, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता, बस ये फॉर्मूला देखने के लिए ही है। करेक्ट फॉर्मूला मार्क कर दो कॉची रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या रिलेशन है, दैट्स इट। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर जो अगला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेन टॉपिक है, वो है प्रिज्म के ऊपर इसका मैथमेटिकल पोर्शन। इसे ओपन करें।